राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन हालात इन दावों के बिल्कुल परे है। इन हवाई दावों की एक बानगी नगर के जेएलएन अस्पताल में देखी जा सकती है, जहां पिछले कई दिनों से सीटी स्कैन मशीन खराब होने से अस्पताल में आ रहे मरीजों को यहां से बेरंग लौटना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी। इस मुद्दे पर अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन का कहना है कि सीटी स्कैन सही कराने के लिए संबंधित इंजीनियर को बुलाया गया है, जल्द ही वह आकर मशीन को दुरुस्त करेंगे। सर, जो मशीन सिचुएशन खराब हुई है, हमारे जो भी सीटी स्कैन मशीन है उसमें 5-6 दिन पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो उसके इंजीनियर को बुला के दिखा दिया था। इंजीनियर उसको चेक करके कुछ पार्ट्स की खराबी बताई थी, वो पार्ट्स भारत में नहीं मिल रहा था, वो उनको भारत के बाहर से मंगाना पड़ा। अब आज सुबह वो पार्ट्स भी आ गए हैं और इंजीनियर भी हमारा आ गया है, और संभावना ये लगते है कि हम दोपहर तक उस मशीन को ठीक करके चालू करा पाएंगे और मरीजों को लाभ मिल पाएगा। सर, लगभग कितना समय लगाया है इसके? करीब 5-6 दिन होगा उस मशीन को हमारे आउट ऑफ ऑर्डर हुए, और इंजीनियर के देखते ही और उन्होंने पार्ट भी ऑर्डर कर दिया था, उस पार्ट को आने में जो टाइम लगा वो हमारा टाइम मशीन की खराबी में रहा। आज पार्ट भी आ गया और इंजीनियर भी आ गए, दोनों काम ठीक हो जाएंगे। पार्ट भारत के बाहर से। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।